सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप सेलर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन 3.75 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर के अपसाइड मूव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में का टॉप बना 289 रुपीज का, 289 रुपीज के स्टॉक में का ट्रिपल टॉप बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। स्टॉक का नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 221 रुपीज पर स्टॉक ने जैसे इस प्राइस को ब्रेक डाउन दिया, स्टॉक ने एक नया लोअर सर्किट लगाया 157 रुपीज। 157 रुपीज के स्टॉक का एक लो बन चुका है जहां से स्टॉक में एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहेगा। अब निचले लेवल पर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो 157 रुपीज है। अगर स्टॉक इस प्राइस से नीचे गिरता है तो इस स्टॉक में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहता है स्टॉक का जो नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 157 रुपीज का है। अब इस स्टॉक के निचले लेवल पर एक मूव आता हुआ नजर आ रहा है तो अगर आप इस स्टॉक में पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 171 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 220 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सके। 225 रुपीज पे एक बार स्टॉक में फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, पर किसी तरह स्टॉक अगर 25 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में आ जाएगा जहां से स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।